श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम एपिसोड में एक शुरुआत करेंगे एक बिजनेसमैन जो किसी एक फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, या खुद की उसकी फैक्ट्री है, या वहां पे वो मैनेजर के तरीके से, या वहां पे वो वर्क कर रहा है। तो अपनी फैक्ट्री के फायदे के लिए वो वास्तु की दृष्टि से ऐसे कौन से उपाय कर सकता है जो फैक्ट्री मालिक या फैक्ट्री में काम करने वाले हर मजदूर को फायदा हो। क्योंकि अगर फैक्ट्री अच्छी तरह चलेगी, कारखाना अच्छी तरह चलेगा, तो वो फैक्ट्री के अंदर आए दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, किसी मजदूर के पैसे नहीं अटकेंगे, उनको टाइम से तनख्वाह होगी। ये सब किस पे डिपेंड है? एक अच्छी फैक्ट्री की प्रोग्रेस पे। आजकल मटेरियलिस्ट देखने जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री है जो नुकसान कर रही है, मुनाफे में नुकसान कर रही है, प्रोडक्शन में नुकसान कर रही है, और कुछ ना कुछ कारणवश उनकी फैक्ट्री के अंदर मजदूर संघ के लिए भी कोई ऐसी हड़ताल हो जाती है, या प्रोडक्शन कम हो जाता है, रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहे, मिल नहीं रहा, मेन पावर भी कहीं ना कहीं ऐसी डिस्टर्बेंस आती है कि फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ जाती है। और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन जो करते हैं बट वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी फैक्ट्री में बहुत सारे नुकसान आ जा सकते हैं। तो कुल मिला के इस एपिसोड की आज की यही रूपरेखा रहेगी। अगर आप किसी कारखाने के मालिक हो, या फिर आपकी कोई फैक्ट्री है, अभी आप उसको रिनोवेट कर रहे हो, या आप नए परचेस कर रहे हो, या फिर वो फैक्ट्री आपके वर्तमान युग में चालू है, तो उसमें वास्तु की दृष्टि से क्या हम कर सकते हैं। देखिए, फैक्ट्री में मुनाफा करने के लिए और अच्छी फैक्ट्री को धम धोकर चलाने के लिए सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी अच्छी है और आपके मटेरियल्स बहुत ही टिकाऊ है और कस्टमर को बहुत ही वाजबी भाव से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई भी जात की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कभी आपकी फैक्ट्री के अंदर नुकसान नहीं होगा। बट वास्तु एक ऐसा है जहाँ आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, कई समस्या आपसे कर्मों से होती है, कई समस्या आपकी कुंडली में लिखी है उसकी वजह से, भाग्य में जो लिख चुका है उसकी वजह से, और कुछ ऐसी चंद समस्या जो वास्तु से भी होती है। तो हम उस चंद समस्या को किस तरह से देखा जाए और वास्तु के उसे कौन से कारण है जिससे ये चंद समस्या आ रही है, और उसमें क्या समाधान ले, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से ये एपिसोड देखना, और खास कंसल्टेंट को हमारा कहना है ये एपिसोड के बहुत सारे पॉइंट्स है जो अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर यूज करोगे तो वहां पे उनको बहुत सारा बेनिफिट्स होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद रहे हो तो वो जमीन कैसी होनी चाहिए? तो जब भी आप फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदो तो वो प्लॉट जो है, वो प्लॉट जितना कहते हैं उसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विड्थ उसके देख समझो कि 100 फीट है तो लेंथ उसकी 300 तक या 300 से बिलो होनी चाहिए। फिर वो 500 फीट हो, 400 फीट हो, 400 फीट हो, तो ये जो प्लॉट है वो बहुत ही नेगेटिव प्लॉट हो जाता है। इससे क्या होता है, वास्तु के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपको किसी विशेषज्ञ को बुला के उस प्लॉट को गोल्डन रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जितनी उसकी चौड़ाई है उससे 3 गुना लंबाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक ये टॉपिक, एक ये पॉइंट है। दूसरा कि आप जो भी प्लॉट लो वो तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, या फिर कोई भी कोना, खास करके ईशान कोना बड़ा हुआ हो तो ही वो प्लॉट परचेस कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपके पास प्लॉट है जिसमें अग्नि कटा हुआ है, साउथ बड़ा है, नैऋत्य बड़ा है, नैऋत्य कटा हुआ है, ईशान कटा हुआ है, वायव्य बड़ा हुआ है, तो ऐसे प्लॉट को भी आप किसी वास्तु यज्ञ की सलाह लेके उस प्लॉट की रेमेडीज कराइए। अब रही बात प्लॉट खरीदने के बाद या प्लॉट अपना हो चुका है तो अब उसमें किस तरह से वास्तु को देखेंगे। तो सबसे पहले कारखाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कोई भी प्रकार की औद्योगिक एकम है जहाँ पे कुछ भी बन रहा हो, चाहे वो केमिकल्स बना रहे हो, चाहे वो कोई मटेरियल्स बना रहे हो, किचन वेयर बना रहे हो, या कोई फैशन डिजाइन, फैशन की कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कॉस्मेटिक बना रहे हो, कोई भी ऐसी कंपनी हो जहाँ मेटल उद्योग बना, मशीनरी बना रहे, तो अगर आपको बिजनेस के अंदर 4 चांद लगाने हैं तो आपको जो आपका मुख्य द्वार है वो या तो उत्तर दिशा का या फिर पूर्व दिशा का होना चाहिए, यानी आपकी नॉर्थ की जो 0 डिग्री है वहाँ का, या पूर्व की 0 डिग्री यानी 90 डिग्री, या 360 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री नॉर्थ, उसी में ही अगर आपके फैक्ट्री का मुख्य द्वार होगा तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही आपको एक ऐसा द्वार भी वहां पे रखना है जो वायव्य कोण का हो, उत्तर और पश्चिम कोण का। जो वायव्य कोण का मुख्य द्वार होगा वो आपकी फैक्ट्री के अंदर रेडीमेड जो हमारी प्रोडक्शन है, यानी रेडीमेड माल है हमारा, उसके आने जाने के लिए या फिर कच्चा माल लाने के लिए, वहां का द्वार आपको फैक्ट्री के अंदर बहुत ही फायदेमंद करेगा। बाकी और कहीं का भी द्वार है तो इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, तुरंत किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के वहां पे रेमेडी करवा दीजिए, क्योंकि रेमेडी एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देगी।
ये एक वास्तु की ही चमत्कार है कि वास्तु के अंदर वास्तु के हिसाब से अगर कोई भी चीज नहीं बनता तो वहां पे अगर रेमेडी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ हमें फायदा होता है। परसेंटेज थोड़ा कम रहता है पर आपकी मेहनत अगर आप उस एकम में लगा दोगे तो वो 100% फायदा करेगा। रही बात अब फैक्ट्री के अंदर मशीनरी कहाँ पे रखने की, तो मशीनरी में आपको देखा जाएगा अगर आपकी जो भी मशीनरी उपकरण है वो अगर विद्युत से चल रहे यानी अग्नि से चल रहे, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई मशीनरी आ गई, बॉयलर आ गया, गैस बॉयलर आ गया, या फिर इसी तरह कोई भट्टी आ गई, या फिर कोई हैवी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटिंग होती वाली मशीनरी है, वो सब आपको आपके वास्तु के अंदर फैक्ट्री के अंदर खास करके अग्नि कोण में रखनी है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ में भी रख सकते हो और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो, यानी अग्नि कोण फायर जोन जो वास्तु के अंदर है वहां पे फायर से जनरेट होने वाली मशीन और जो फायर डेवलप कर रही है, बॉयलर है, गीजर है या फिर कोई भी भट्टी है जिसपे हम प्रोडक्ट डाल के पिघलाते हैं, ऐसी कोई भी हैवी फायर यूज वाली प्रोडक्ट है वो आपको अग्नि कोण के अंदर ही वो मशीनरी वहां पे सेट करनी होगी। अगर आपने वो किसी और दिशा में सेट कर दी तो फैक्ट्री के अंदर नुकसान देखा जाएगा। तो खास आप अगर फैक्ट्री इनोवेट कर रहे हैं, अगर आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है और मशीनरी आपकी कोई भी और दिशा में है तो तुरंत वास्तु का संपर्क कीजिए, वास्तु कंसल्टेंट को बुलाइए, आपके शहर से, आपके गांव से, कहीं से भी कोई भी एक विशेषज्ञ को बुला के वहां पे समाधान कर दीजिए। आपकी फैक्ट्री के अंदर बिजनेस वापस चल पड़ेगा, बिजनेस में आने वाली कोई भी समस्या होगी वो सोल्व कर लेगा वो वास्तुशास्त्री, क्योंकि वास्तुशास्त्री वो अपने करियर के अंदर इतने एक्सपीरियंस करके बैठे होते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे केस स्टडी किए होते हैं, वो कहीं ना कहीं से ऐसी रेमेडी लेके आपके वहां पे इंट्रोड्यूस करके आपकी जो वास्तु दोष की फैक्ट्री के अंदर जो भी कोई समस्या है उसका वो समाधान कर सकते हैं। अब देखेंगे हम शौचालय यहाँ पे मैंने सेकंड क्यों लिया गया, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री के अंदर अगर शौचालय गलत दिशा में होगा तो वो फैक्ट्री को नुकसान की तरफ ले जाएगा। अब फैक्ट्री के अंदर शौचालय हम तीन दिशा में रख सकते हैं, फर्स्ट बेस्ट है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट की साउथ कॉर्नर की तरफ कहीं पे भी आप शौचालय रख सकते हो जो अति उत्तम है। उत्तम की हम बात करेंगे तो WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में नैऋत्य वायव्य कोण की तरफ आप शौचालय की स्थापना कर दीजिए, यानी वहां पे डिजाइन कर दीजिए जो उत्तम है। और तीसरे संदर्भ में हम देख सकेंगे अगर यहाँ पे दो जगह नहीं है तो ईस्ट ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो वहां पे भी आप शौचालय की स्थापना कर सकते हो, मीन्स वहां पे शौचालय बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके फैक्ट्री के अंदर डिस्पोजल एक्टिविटी यानी जो आपकी क्वालिटी ना वो क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी शौचालय कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी वास्तु के हिसाब से, खासकर ईशान कोण में टॉयलेट ले लिया तो आप पे वहां पे क्लियरिटी नहीं आएगी, माल में भी क्लियरिटी नहीं आएगी, आपकी थिंकिंग में भी क्लियरिटी नहीं आएगी। अगर आपने अग्नि कोण में शौचालय ले लिया तो वहां इनकम सोर्सेज आपके बंद पड़ जाएंगे, फायर कम हो जाएगी, धन नहीं आएगा। नॉर्थ में रख दिया तो पैसा नहीं आने वाला, फैक्ट्री बंद होने वाली है। साउथ वेस्ट में प्रॉपरली रख लिया तो आपको मेन पावर के साथ आपके रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, यानी शौचालय यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है एक अच्छे एकम को चलाने के लिए और एक अच्छी फैक्ट्री के वास्तु दोष निवारण वास्तु की रचना करने के लिए। अब हम बात करेंगे पेंट्री, कोई ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वहां पे लेबर्स के लिए किचन की सुविधा होती है, भोजनालय होता है, तो उनको किचन कहाँ पे लगाना है, तो खास करके अगर आपका ऐसा यूनिट है कि जहाँ पे बहुत सारे स्टाफ और आप भी खाना खाते हो, लंच टाइम होता है और आप प्रोवाइड करते हो उनका डिनर एंड लंच, तो आपको साउथ ईस्ट में ही अग्निकोण में ही आपको किचन की व्यवस्था करनी है। अगर वहां पे नहीं है तो वायव्य कोण में आप नॉर्थ वेस्ट में भी किचन की व्यवस्था करके आपके स्टाफ के लिए रसोई का इंतजाम कर सकते हो। अब खास बात करेंगे अकाउंटेंट की, ये क्यों मैंने खास बात कर रहे हो, क्योंकि अगर वहां पे आपका अकाउंट ही अगर मजबूत नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस को क्रिएट कर पाओगे। आपकी फैक्ट्री के अंदर जितने भी कर्मचारी है आपके जो अकाउंट से रिलेटेड है तो आप उनको नॉर्थ से लेके NNW यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ के एरिया में उनकी एक सेटअप कर दो और उनकी कैबिन्स कर दो और उनका फेस हमेशा नॉर्थ में ही रहना चाहिए, जिससे कि वो पैसों से संबंधित जो भी हिसाब किताब रहेंगे उसमें आपको प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा दिखाई देगा। अगर आप वहां पे कोई आपके एरिया मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है जो आपकी फैक्ट्री के लिए काम लेके आ रहे तो उनकी जो ऑफिस कैबिन है नॉर्थ वेस्ट में रखिए, तो वो पूरे विश्व में घूम के आपके लिए ऑर्डर लेके आएंगे। और अब हम बात करेंगे मास्टर कैबिन की, मास्टर कैबिन को साउथ वेस्ट में ही रखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी के लिए आपकी स्किल को प्रोटेक्ट करने, भले आप खुद काम नहीं कर रहे पर आपके अंदर एक मैनेजमेंट की स्किल होगी, अगर वो एकदम पावरफुल होगी तो आप अपने एकम को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या लेबर से लेबर के लेवल का काम लेना है और आपके जो स्टाफ है मैनेजर से मैनेजर के लेवल का काम लेना है और आपके जो अकाउंटेंट है उनसे लेबर काम लेना है, तो इन सबसे भी काम लेना एक स्किल है। अगर स्किल को क्रिएट करनी हो तो आपको साउथ वेस्ट में ही बैठना है। अब हम बात करेंगे सीढ़िया की,
अगर आपकी फैक्ट्री मल्टी स्टोरेज है, यानी दो तीन माले की है, आपको कहां पे सीढ़ियां रखनी है, तो आपको खास सीढ़ियां यहां पे रखनी है। सबसे बेस्ट है उसके लिए ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एंड WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये दो दिशा में अगर आप सीढ़ियां रखेंगे, और सीढ़िया के नीचे कहां पे भी शौचालय मत बनाना, क्योंकि मैंने शौचालय के लिए भी यही दिशा दी है, तो परफेक्ट इंजीनियर को लेके और वास्तु कंसल्टेंट को लेके ही आप वास्तु से रिलेटेड फैक्ट्री की ड्रॉइंग कराएंगे, तो ही आप एक अच्छी फैक्ट्री को क्रिएट कर पाओगे और बिजनेस को बढ़ा पाओगे। ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले उपाय है। यहाँ से जितनी भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, अगर कोई भी टिप्स आपने फॉलो कर ली, इसमें से 50% भी फॉलो कर लिया, तो 100% आपका, अगर आपका बिजनेस अभी मंद पड़ा हुआ है, फैक्ट्री मंद पड़ी हुई है, तो वो फास्ट चलने लग जाएगी। अब मैं आपको खास बताऊंगा कि हमें रेडीमेड जो हमारी प्रोडक्शन के बाद हम जो मटेरियल रेडी करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांड बनाने के लिए, तो ब्रांड बनानी हो आपकी प्रोडक्ट की, जो कहते हैं नामना पूरे विश्व में करनी हो, तो आपको साउथ को बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा। साउथ के अंदर कहीं पे भी फायर आ गया, या वहां पे ब्लू कलर आ गया, या फिर वहां पे ऐसा कोई एंटीविटी आ गई, एंटी एक्टिविटी आ गई, तो आपकी ब्रांड नहीं बनेगी, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होने के बाद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लोग मांग के नहीं लेंगे आपके प्रोडक्ट, तो फिर जाके टोटली नुकसान है मैन्युफैक्चरर। आपने एक बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है, तो आपको आपकी ब्रांड पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी ब्रांड अच्छी होगी, लोग ढूंढ ढूंढ के सर्च करके आपकी ब्रांड की अगर कहेंगे, डिमांड करेंगे, तो जो हमारे बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद जितने भी डीलर है, सब डीलर है, तो 100% आपके साथ सेकंड टाइम बिजनेस करेंगे। यानी ब्रांड के लिए साउथ को खास देखना है। अगर साउथ डिस्टर्ब है, तो आपकी ब्रांड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। और यहाँ पे आपको ईस्ट को तो एकदम क्लियर करना है। अगर ईस्ट आपका बिल्कुल डिस्टर्ब है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रोडक्ट के जो बायर है, जिसके साथ आपको जुड़ना है, तो आप जुड़ नहीं पाओगे। अगर पूर्व दिशा से आपको कोई भी जात का वास्तु दोष है, तो आपको सरकारी मामले की प्रॉब्लम्स आएगी, सरकार से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये आप अपने कस्टमरों के साथ नहीं जुड़ पाओगे, तो नुकसान का है फैक्ट्री संचालक को। तो आज की जो मेरी वीडियो है फैक्ट्री संचालक के लिए, अगर ये सब टॉपिक आपने अगर इस तक देख लिया, तो बहुत अच्छी फैक्ट्री चला सकोगे। अब हम बात करेंगे नॉर्थ। नॉर्थ में भी अगर आपने कोई भी प्रकार का वास्तु दोष रखा, वहां पे शौचालय आ गई, सीढ़ियां आ गई, तो आपको कमाने के नए नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर लोगे, पर उसके लिए बायर नहीं मिलेंगे, कोई आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा, आपको बिजनेस को ग्रोथ नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं आएगा। कब पैसा आता है? जब मार्केट में आप माल डालते हो। बायर ही नहीं है तो पैसा ही नहीं आएगा, पैसा ही नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। यानी नॉर्थ को भी आपको बहुत ही अच्छी तरह देखना है कि वहां पे भी कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर आप अंडरग्राउंड टैंक बना रहे हो, अगर आपको कहीं से पानी की जरूरत है, एक्चुअली होती है पानी की जरूरत, तो दो तरह की टंकी की टैंक होती है हमारे पास, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है और ओवरहेड होती है। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक फैक्ट्री के अंदर डिजाइन करवा रहे, तो साउथ नॉर्थ ईस्ट में ही करवाना, ईशान कोण में, यानी नॉर्थ में करवा सकते हो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में करवा सकते हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में करवा सकते हो, या ईस्ट में करवा सकते हो। यानी ये तीन चार जोन के अंदर अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक की डिजाइन करेंगे, तो आपको बिजनेस के अंदर बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा। अब रही ओवरहेड टैंक, जहां से पानी सप्लाई हम पूरी फैक्ट्री में लेते हैं, तो अगर आपको ओवरहेड वाटर टैंक बनानी है फैक्ट्री के अंदर, तो आपको कहां बनानी है, तो उसके लिए आपके लिए वेस्ट बेस्ट है, और दूसरा है साउथ। साउथ के अंदर अगर हो सके तो अवॉइड करना वेस्ट, यानी वेस्ट डायरेक्शन या WSW, ये दो डायरेक्शन के लिए वाटर टैंक आपके लिए बहुत ही परफेक्ट स्थान है। वहां पे आप ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हो। अब बोरवेल या बोरिंग भरवा रहे हो, तो वो भी ईशान कोण में भूमिगत पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। अगर आप आपकी फैक्ट्री के अंदर आप इस तरह से प्रोडक्शन में जो रेडीमेड हमारा माल है, उसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, या फिर आप रेडीमेड माल को कहाँ रखोगे, कच्चे माल को और रेडीमेड माल को, तो रेडीमेड माल है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, और कच्चा माल है वो भी नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट में कच्चा माल रखो और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर रेडीमेड रखो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर कच्चा माल पड़ा होगा, तो वो आपको मदद करेगा आपके बिजनेस में फटाफट प्रोडक्शन करने के लिए, आपको हेल्प मिलेगी। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका रेडीमेड माल पड़ा होगा, तैयार माल, तो लोगों की अट्रैक्शन बढ़ेगी और आपके बिजनेस की वृद्धि होगी। लोगों को जो रेडीमेड माल है उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो उस माल को परचेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के आप तक आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी ऐसी चंद बातें हैं, पर इतनी चार पांच बातें अगर आप ध्यान में रख के कोई भी फैक्ट्री की वास्तु डिजाइन करवाएंगे, या फिर आपकी ऑलरेडी फैक्ट्री बन चुकी है और इस तरह से यहाँ पे कोई भी टॉपिक आपके मैच नहीं हो रहा,
और कोई भी वास्तु दोष है तो कृपया आप किसी भी कंसल्टेंट को संपर्क कीजिए, उनको बुलवा के आपके वास्तु का समाधान करवा दीजिए। देखिए हमारा ये वास्तु शास्त्र है बहुत ही प्रभावशाली है, शीघ्र फल देने वाला है। बस आपकी एक पॉजिटिविटी और आपके अगर अच्छे विचार होंगे और इसके प्रति श्रद्धा होगी तो 100% आपको कहीं पे भी नाकामी नहीं मिलेगी और सफलता कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।